मैं चार एग्जांपल लूंगा आपके सामने। मैं ज्यादा नहीं लूंगा, चार एग्जांपल लूंगा, हर तरीके का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो चलो देखते हैं। पहला, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 13, इसका परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से बनाया जाए। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पहले लीडिंग कोफिशिएंट को वन कर दीजिएगा। यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट ऑलरेडी वन है। लीडिंग कोफिशिएंट जिन बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। तो पहला काम होता है लीडिंग कोफिशिएंट को वन करना, यहाँ ऑलरेडी वन है ना। पहला काम होने के बाद दूसरा काम, यहाँ अक्स है तो अक्स लिख दीजिएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। सर कौन सा माइनस? ये वाला। और इसका अक्स का कोफिशिएंट देखिएगा, अक्स का कोफिशिएंट 4 है, इसका आधा कीजिएगा। 4 का आधा करेंगे सर 2, यहाँ 2 लगा दीजिएगा। और इसका होल स्क्वायर यहाँ आराम से देखिएगा, यहाँ 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा, 2 का होल स्क्वायर, और आगे जो आपके पास 13 है इसको चिपका दीजिएगा। ये हमेशा यहाँ माइनस करना है, हमेशा आपको यहाँ माइनस करना है। क्या बना आपका? बना एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का, है ना, 13 माइनस 4 9। ये आपका होल स्क्वायर बन गया है। सेकंड एग्जांपल। हाँ जी, क्लियर है भाई सब बच्चों को? ओके चलो सेकंड देखते हैं। एक देखते हैं, 2x² माइनस प्लस ले लेते हैं 7x+9। पहला काम है लीडिंग कोफिशिएंट को वन करना। लीडिंग कोफिशिएंट को सर वन कैसे करेंगे? तो 2 बाहर ले लेंगे, तो यहां नजर आएगा x² - 7/2 x+9/2। हाँ जी, आगे करेंगे, 2 बाहर है, यहां आपको करना है x, प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। अक्स का कोफिशिएंट है यहाँ 7/2, यहाँ क्या है 7/2, इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 7/4। आधा कर दिया तो, आधा कर दिया तो 7/4 यहाँ लगा दीजिएगा, 7/4 स्क्वायर। यहाँ हमेशा आपको माइनस करना है, जो यहाँ अंदर लिखा है वही, और प्लस आपका 9 है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया है इजी से। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? दो एग्जांपल आपके। हाँ, दो एग्जांपल में और बात करूंगा मैं। ये 3 नंबर का देखिएगा, यहाँ है 3x - x² अब आप बोलोगे सर x का लीडिंग कोफिशिएंट -1 है, -1 को बाहर लिया जाए। मैं बोलूंगा आप चाहो तो ले सकते हो, वरना कोई दिक्कत भी नहीं है ना। पहले आपके तरीके से ही कर लेता हूँ जो आपको सिखाया जा रहा है। माइनस को बाहर ले लिया, यहाँ बना x² - 3x। फिर x के कोफिशिएंट का आधा करना है, सर कीजिएगा ना। ये बनेगा यहाँ x - 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर। सर ऐसा कैसे कर दिया आपने? हो गया ना, ये तो जो मैंने बताया है वो है। लेकिन यहां से एक इजी भी बना सकते हैं। पहले ये कर दीजिएगा 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस लगा के यहां कर दीजिएगा x - 3/2। हाँ, ये भी एक ही बात है, जब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये ही निकल के आएगा आपका। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल है आपका, जैसे लास्ट एग्जाम्पल को मैं कोई और तरीके से लूँ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा 3x - 2x² अब इसको आसान तरीके से, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट को वन कर दीजिएगा। वन किएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। 2 को बाहर ले लीजिएगा, 2 को बाहर लेते ये बनेगा 3/2 x - x² सर वो माइनस बाहर लाते थे आप, उसका क्या हुआ? वो तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना अभी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर माइनस x - 3/4 का
का होल स्क्वायर। काम हो गया आपका।